सबसे पहले तो हम आपको मंदिर दिखाना चाहते हैं, जिस मंदिर में की पूजा होती है। और बताया जाता है कि मंदिर बहुत ही पुराना है, महाभारत काल से ये मंदिर है। तो हम आपको मंदिर दिखाना चाहते हैं। देखिए, एकलव्य मंदिर दिखा रहे हैं आज। एकलव्य महाभारत काल के बहुत ही विशेष और बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं। तो एकलव्य का एकलौता यहाँ पे बताते हैं कि मंदिर है। और ये जगह वो जगह है, आप दिखाइए एक बार अच्छे से, जहाँ उन्होंने अपना अंगूठा दान दिया था। द्रोणाचार्य जी ने उनसे अंगूठा मांगा था, क्योंकि जिस प्रकार से वो उनकी प्रख्याति मशहूर होती जा रही थी और जिस प्रकार से वे धनुर्धर थे तो बहुत ही महान हो गए थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे अंगूठा दान दिया गया था। मुझे लगता है कि पूरे भारत में आपको कहीं ये स्थान नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि सबसे पुराना और सबसे प्राचीन 5000 साल महाभारत काल से बना हुआ है। आज भी यहाँ पे हमने दिखाया कि जिस प्रकार भंडारा चल रहा है और पूरे देश से लोग आए हुए हैं, तेलंगाना से लेके दूर दूर तक, जो अपने आपको एकलव्य जी का वंशज बताते हैं। तो ये चीज़ जो हमने आपको दिखाई है ये शायद ही कहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे ये स्थान है, ये जो मैं तस्कर के बता रहा हूँ, ये एकलव्य जी का वो स्थान है जहाँ पे खड़े होकर उन्होंने अपना अंगूठा दान दिया था। तो और ये गुड़गांव की धरती भी द्रोणाचार्य जी से के नाम से जाने जाती है। और ये एकलव्य स्थान जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके उसके बाद यहाँ पे ये दक्षिणा दी। तो कोई भी जो ये जगह देखना चाहे तो गुड़गांव के खांडसा में आ सकता है। खांडसा गांव में आके एकलव्य तीर्थ के बारे में पता करेगा तो उसको ये स्थान पता चल जाएगा। हालांकि अभी मंदिर उस तेजी से नहीं बना है, अभी थोड़ा मतलब भव्यता नहीं है मंदिर की। एक आपको पारंपरिक पुराना जो मंदिर होता है, जो एक इतिहासकार में दिखाते हैं, वो वाली यहाँ पे छवि आपको देखने को मिलेगी। पर भारत का इतिहास है, भारत के हमारे देवी देवताओं का इतिहास है जो हमें गौरवान्वित करता है। बहुत सारे गुड़गांव वालों को नहीं पता होगा, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे एकलव्य का मंदिर भी है। यह एकलव्य ने एक इस तरीके की चीज़ भी है। तो ये चीज़ आप देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम लगातार अलग अलग चीज़ें, अलग अलग भारत से जुड़ी हुई, हमारे देवी देवताओं से जुड़ी हुई चीज़ें दिखा रहे हैं। तो हमारे जो दर्शक हैं उन सभी से हम कहना चाहेंगे, आप अगर दर्शन करना चाहें तो एकलव्य तीर्थ पर आकर दर्शन कीजिए। बहुत ही देखिए, पुराना मंदिर बना हुआ है तो छेड़ने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है। जो बहुत पुराना इतिहासकार बताते हैं, हालांकि यहाँ तक हमने आपको दिखा दिया है बिल्कुल। यहाँ पे एकलव्य का जो है ना अंगूठा कट के दक्षिणा दी थी गुरु द्रोणाचार्य जी को। और पूरे भारतवर्ष में यही मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरे भारतवर्ष में यहाँ पे खांडवन के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए इस गांव का नाम खांडसा पड़ा है। दादा नोइया के नाम से ज्यादा, दादा नोइया जराली के नाम से, हाँ। और इसलिए इसको खांडसा गाँव के नाम से, गुरु द्रोणी की पावन भूमि है इसलिए इसका नाम गुरुग्राम पड़ा है। एकलव्य की पावन धरती है, यहाँ पे उन्होंने अंगदान किया था इसलिए प्रसिद्ध है। जो तेलंगाना से लोग आए उसी की महत्वाकांक्षा है, उसी की महत्वता के आधार पर इसको अब इसका जीर्णोद्धार किया गया है इसलिए प्रसिद्ध है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि खांडसा मंदिर जो है बहुत ही पुराना मंदिर, ये मतलब जब महाभारत काल था तब का ये मंदिर है। हम और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर क्यों आज के दिन ही यहाँ पे भंडारा चल। तो सब मेरा सवाल आपसे ये है कि खांडसा मंदिर जो है यहाँ का बहुत ही पुराना मंदिर है, एकलव्य मंदिर खांडसा गाँव में, तो इसका क्या महत्व है और क्यों मतलब आज ही के दिन यहाँ पे भंडारा हो रहा है? मैडम, ये खांडसा गांव पहले खांडवन के नाम से हुआ करता था। और जो एकलव्य तीर्थ थे, इसका एकलव्य जी जो थे, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की यहाँ पे मूर्ति बना करके और उसकी धनुर्विद्या की परीक्षा ली थी। और ये वही जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना अंगूठा दान किया था। और पूरे विश्व के अंदर गुरु शिष्य का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। आज हर साल हम 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन इसका हम आयोजन करते हैं। ये हम एकलव्य के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं इसको। अच्छा, उनका जन्मदिन है इसीलिए यहाँ पे आयोजन होता। तो इतना पुराना मंदिर है तो फिर भी ये मंदिर का अब निर्माण हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ, ये कोई वजह? बहुत सी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। अब धीरे धीरे जैसे जिसका प्रचार होता है तो गवर्नमेंट की नज़रों में रहती है, तो वहाँ पे लोगों का ज़्यादा झुकाव रहता है। ये 5000 वर्ष पुराना इतिहास है यहाँ का, जहाँ पे एकलव्य जी ने अपना अंगूठा दान दिया था। पर ये कभी मीडिया के और गवर्नमेंट के द्वारा अपेक्षित ही रहा है। तो क्या अभी ये मंदिर आगे चल के कितनी जल्दी बनने के आसार दिख रहा है? अभी हमारा इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है ये हमने अक्टूबर महीने से स्टार्ट किया है और इसको हम ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 साल के अंदर हम इसको पूरा करेंगे। अच्छा, आपका लक्ष्य है कि इस मंदिर को 2 साल के अंदर पूरा अच्छे से बन जाए। तो यही जो भंडारा है, पिछले
कितने सालों से चल रहा है? ये पिछले करीबन 15 साल से भंडारा चल रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे एक एकलव एकेडमी भी है जो बच्चों के लिए फ्री कोचिंग दी जाती है, और यहाँ पे एक हमने हॉस्पिटल भी करा रखा है, सरकारी हॉस्पिटल जिसके अंदर महिलाओं का इलाज निशुल्क है। ये सब एकलव के नाम से ही चल रहा है। एकलव के नाम से यहाँ पे हॉस्पिटल भी है और एक एकेडमी भी है जिसमें बच्चे फ्री अपना ट्यूशन ले सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि भंडारा कब से चल रहा है, जैसे कि आप लोगों ने बताया? भंडारा मैडम 2006 से चल रहा है। 2006 से लगातार चल रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से हमने इसको स्थगित कर दिया था, बाकी 2006 से चल रहा है। तो यहाँ का मेन जो इस मंदिर का निर्माण का है वो कौन कौन है? देखिए, एकलव्य जो मंदिर है ये गुरुग्राम की धरती है, गुरुओं की धरती है, गुरु द्रोण की ये भूमि है, और गुरु द्रोण जी का और एकलव्य का एक नाता था गुरु और शिष्य वाला। मैं एकलव्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस मंदिर कमेटी को बधाई देता हूँ कि इतना बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया है, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस बीड़े में कामयाबी मिले। और मैं सभी गुरुग्राम वासियों से अपील करता हूँ कि इस अच्छे काम के अंदर थोड़ा थोड़ा सहयोग दे करके सभी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें और यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। ये ऐतिहासिक जगह है और गुरु द्रोण की भूमि है। हमने इसकी डिमांड भी उठा रखी है कि गुरु द्रोण के नाम पर एक चौक बनना चाहिए, और अभी मन में एक विचार अभी खड़े खड़े आया है कि सिग्नेचर टावर से शीतला माता मंदिर जब हम जाते हैं तो माता मंदिर तक जाने के लिए कोई भी ऐसी पहचान नहीं कि रास्ता माता मंदिर तक जाता है। तो हम सरकार से डिमांड करेंगे कि एक द्वार गुरु द्रोण के नाम पे बनना चाहिए और एक द्वार एकलव्य जी के नाम पे बनना चाहिए। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल सही डिमांड रहेगी, और अभी मेरे मन में खड़े खड़े विचार आया इस बात का, तो ज़रूर इसके ऊपर लगातार काम करेंगे कि सिग्नेचर टावर से माता मंदिर तक। स्ट्रीट के वंशज है, तो आप बताइए, आपसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब कम ही लोग जानते होंगे कि ये मंदिर क्यों बना और इसका क्या महत्व है, तो आप बताइए कि क्या मंदिर का क्या महत्व है? हम तो तेलंगाना से आए, हैदराबाद से, तो तेलंगाना पूरा भी जो हम एक अलग का वारस लोग हैं, हम लोग हम दादा परदादा से भी हम लोग वारस मानते हैं। तो हम सोचते थे यहाँ का मंदिर है, बल्कि भी थोड़ा बहुत दिन से मैं सर्च कर रहा हूँ, 10 साल से 15 साल से भी। तो एक्चुअल क्या हुआ, तो हम सोचते थे गुरुगांव बोल तो एक जंगल में होगा, तो एक अलग मंदिर तो जंगल में थे, महाभारत और रामायण पूरा पूरा जंगल में थे, मंदिर भी जंगल में होगा, कैसा जा सकते हैं वहाँ रहने के लिए जगह नहीं आए नहीं है, बल्कि हम सोच रहे थे। तो यहाँ गैसा साल में आने तक पूरे सोसाइटी ने बहुत अच्छा बनाया, यहाँ पर मंदिर बना के पूरा हमारा सोसाइटी पूरा हमारा बहुत अच्छा देख लिया। तो इसलिए तो मैं अभी भी 100 आदमी को लेकर आया हैदराबाद से, पूरा पूरा तेलंगाना से, तो आधे साल भी और या तीर्थ बनाने के लिए और ज़्यादा लोगों को लेकर आने के लिए भी हम सोचे पूरा सब कुछ। धन्यवाद। तो जैसे कि मैं चौधरी हरकेश कुमार राड़ी दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ से 5 साल का जब से आ रहा हूँ, मेरे वंशज यहाँ पर थे। ये छोटा सा मंदिर था, जब से मंदिर को बना करके हमने बनाया था मंदिर को, अब ये बड़ा तीर्थस्थल बन रहा है। हम सुनील जी योगी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो मंदिर बन रहा है। हम पूरा समाज आंध्रा में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मुंबई से, हर जगह पूरे प्रदेश से यहाँ पर हर साल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे हर जगह से लोग हर साल आते हैं गुरु द्रोणाचार्य, और वो भी आज के दिन ज़्यादातर आते हैं। आज के दिन नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा होता है वंशज में जो जैसे बेटे की शादी हुई तब आते हैं, अच्छा। और बेटा होता तब से जाते हैं, और कभी जब मन करता है जब दादा देव जब उनको देता है, और ये एक नोया के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये मंदिर नोया के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि जो एकलव्य जी थे उनकी अंगूठे को ले लिया था, तो उनको नोया जी बोलते हैं, नोया बाबा बोलते हैं। ये एकलव्य जी को नोया बाबा है और ये हर साल आते हैं, और इनके यहाँ जो भी चाहे वो घर बनाना हो, कोई भी शुभ कार्य होता है तो इनसे आशीर्वाद लेके जाते हैं। अभी इन्होंने भी पिछली बारी आए थे तो इन्होंने मंदिर बनाना था, तो यहाँ से मिट्टी लेके गए और वहाँ हैदराबाद में भी मंदिर बना। अच्छा, अपने यहाँ से मिट्टी ले जाके हैदराबाद में जो यादाद्री में वहाँ भी मंदिर स्टार्ट हो गया, वहाँ भी मंदिर चालू हो गया, क्यों बोलते इंडिया में एक ही एक ही मंदिर है, यहाँ एकलव्य मंदिर यहाँ पे गुरुगांव में, यहाँ से भी मट्टी लेके जाके हैदराबाद में यादव के पास भी मैं मंदिर बना रहा हूँ, वहाँ भी मंदिर बनेगा। तो और भी है, जिस टाइम पे उन्होंने अंगूठा दिया था, चलो उस टाइम पे गुरुओं के हाथ बंधे हुए थे, ठीक है, पर आज उनको न्याय मिल रहा है।
उनको न्याय मिल रहा है। ये कम से कम नहीं 5 साल पुराना मंदिर है और इसकी मतलब बिल्कुल ही ऐसी दुर्दशा थी, पर गांव के सभी ने मतलब मिल के, ये भाई साहब हैं बड़े, मैं नाम तो नहीं ले सकती उनका, हाँ, और ये हैं आंटी हैं, हम सब हैं, मतलब सभी ने मिल के ये जगह का उद्धार किया। तो आपके मन में ये क्या, जब से हमने ये शुरू किया है तभी से हम इसमें अपने तन मन धन से लगे हुए हैं और हम जो बच्चों को इसके लिए शिक्षा मिले, हमारी पूरी प्रेरणा भी है सबके लिए, ये एक प्रेरणा का होगा स्रोत कि गुरु शिष्य की परंपरा क्या होती है, ये उसका एक यहाँ उदाहरण होगा। और यहाँ पर हम इनके एक एकलव्य गेट भी बनवाएंगे और ये तीर्थ भी बनवाएंगे। जय भारत, जय एकलव्य। हमने आपको बताया कि हम यहाँ पे खानसा गांव में एकलव्य मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए, पीछे एकलव्य मंदिर है, तो हम यहाँ, हमारे साथ राज चौहान जी मौजूद है जो कि खानसा गांव से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, तो इनसे जानेंगे कि आखिर ये मंदिर का निर्माण करने का विचार कब आया और इतना पुराना मंदिर है, क्या ये पूरे गुड़गांव में लोग इसको जानते हैं या फिर नहीं जानते। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से पहली बार आप खानसा गांव में आए हैं। हैप्पीनेस टीम को, हैप्पीनेस इंडिया को और आपके जो चीफ एडिटर हैं कृष्ण सैनी मेरे भाई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ में कालीचरण भाई खड़े हुए हैं। देखो मैम, मैं बता दूं, इस गांव से परिचित नहीं, मेरी जन्मभूमि है गांव और इसी स्कूल में, साथ में सरकारी स्कूल है, इसी स्कूल में पढ़े हैं हम। बचपन में हम देखते थे कि यहाँ पे झाड़ झूड़ पड़े रहते थे, इसको मढ़ बोलते थे, मढ़ जैसे मढ़ बोलते थे ना हम, ऐसे तो मढ़ जमीन जमीन ऐसे पड़ी रहती थी, पूरा झाड़ झुकड़ रहता था, तो हम भी सोचते थे पता नहीं क्या है। तो इतिहास में हमारी चीज़ों को, हमारे पूर्वजों को, हमारी चीज़ों को दबाया गया इतिहासकारों ने, तो हमें कभी भी हमारी बुक्स में इसमें औरंगजेब की दिखा दी और किसी की दिखा दी, ऐसी चीज़ें रहती थी, लेकिन जो हमारा इतिहास था उसको दबा के हमें कभी भी इसके बारे में नहीं बताया गया कि भी क्या इतिहास रहा है इसका, किस तरह की चीज़ें रही हैं। जब हमें पता लगा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये जो पूरा गुरुग्राम था, गुड़गांव था, गुरुग्राम था, वो उसी से रिलेटेड हमारा ये खांडव वन था। खांडव वन था, यहीं पे एकलव्य ने प्रशिक्षण लेके और यहाँ पे अपना अभ्यास स्टार्ट किया था और गुरुग्राम में क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की नगरी थी तो यहीं पे वो एकलव्य के लिए उसमें जुड़ते हुए आए थे, यहीं पे उन्होंने अंगूठा दान दिया था। भी आपको यहाँ गुड़गांव आए तो आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ और दर्शन करें, और भी देश समाज और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।